presents the budget for the year 2021-2022. इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान। करीब सवा दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान अपनी हक की मांग को लेकर डटा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आई तो उनकी निगाहों से किसान जरा भी ओझल नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताया। ये बात सुनते ही संसद में शोरगुल बढ़ गया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least. इस शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार ने कृषि कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। इस बार सरकार ने किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक के कर्ज का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा। इस बार सरकार ने कृषि कर्ज 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी तय किया है। सभी फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुनी तय की गई है। एग्रीकल्चर, आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। द एमएसपी रेजिम हैज अंडरगॉन अ सी चेंज टू एश्योर प्राइस दैट इज एट लीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज। The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. वित्त मंत्री ने पिछले साल किसानों की फसल खरीद का आंकड़ा दिया, तो इस बजट में किसानों की फसलें खरीदने के लिए कितनी रकम सरकार ने तय की है उसका भी लेखा जोखा दिया। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेहूं और धान के अलावा दलहन, तिलहन और कपास की फसलों की खरीद का आंकड़ा देते हुए साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा पैसे किसानों के खाते में पहुंचाया है। जबकि धान की खरीद के लिए 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए की राशि से धान खरीद का अनुमान है। यही नहीं, 2019-20 में इसका लाभ उठाने वाले किसानों की तादाद 1,24,00,000 थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1,54,00,000 हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दाल की खरीद के लिए 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। सरकार ने कपास की खरीद पर 25,974 करोड़ रुपए खर्च किए। इन द केस ऑफ पल्सेस, द अमाउंट पेड इन 2013-14 वाज 236 करोड़। इन 2019-20 दिस वाज इंक्रीज्ड टू 8,285 करोड़। नाउ
Now in 2021, it is at 10,530 crores, more than 40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री का ये पूरा लेखा जोखा उन किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था जो इन दिनों आंदोलन पर है। उन्हें बजट के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और एमएसपी पर अडिग है। इसके अलावा भी बजट में किसानों के लिए कुछ खास सौगातें दी गई हैं। 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए एक स्वामित्व स्कीम तेजी से लागू की जा रही है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में किसानों को कई सौगातें दी हैं। सवाल ये है कि क्या किसान इन सौगातों से खुश हैं? क्या इस बजट से आंदोलन पर बैठे किसानों का भरोसा सरकार में बढ़ेगा? आज तक ब्यूरो।